नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर सिंह और आज आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं कि जो कई जगहों पे लॉकडाउन के बाद ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं बता दूं कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है शासन प्रशासन के द्वारा, ऐसा ही आरोप लगा हुआ है हमारे जो है बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के दीघा मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि दीघा ईश्वर नगर में, यादव नगर में अवैध रूप से भूमाफियाओं ने MIDC के ज़मीन पे जो है कि घर बांधकर उनको 2.5 से 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और पत्र व्यवहार MIDC को और पुलिस स्टेशन को उन्होंने दिया है कि तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसको जो अवैध बात काम हुआ है उसको गिराया जाए। लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है कि जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा अवैध रूप से अनलीगल तरीके से 7-12 दिया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो MIDC की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है और उनको जो उत्तर भारतीय परप्रांती हैं उनसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेकर अवैध रूप से झोपड़े का निर्माण कर करके उनको फंसाया जा रहा है, जिसके वजह से BJP दीघा मंडल अध्यक्ष जो है आवाज़ उठाया है और उन्होंने लगातार अमर अपोषण की बात की थी, उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात की थी वहाँ पे MIDC पे। लेकिन उन्होंने उनके द्वारा जो कहा गया है कि आप जो है अनशन पे मत बैठिए, हम तत्काल वहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं और तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी उसमें रुंध पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी नई मुंबई दीघा मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ठाकुर, हमारे दीघा विभाग यादव नगर में प्रभाग क्रमांक 6 में आता है, जहाँ पे भूमाफियाओं ने अपनी जगह 7-12 अपनी दिखा करके जनता को लूटने और ठगने का काम चालू है, जिसे रोकने के लिए मैंने तत्काल अधिकारियों से विनती भी किया और उन्हें लेटर वर्क भी दिया कि तत्काल कार्रवाई किया जाए और भूमाफियाओं पर MRTP के तहत गुना दाखिल हो, ताकि दोबारा जो वहाँ गटर के पास 12 से 15 रूम की जगह बनाई गई है वह सरकार की जगह है, फॉरेस्ट विभाग और MIDC की है, दोनों विभाग उस पर जाँच कर रही है। आने वाले 6 दिनों के लिए मुझे रुका गया है कि 6 दिन तक आप रुकिए उस जगह पर। आज सरकारी बोर्ड MIDC जो अपनी वहाँ पर लगा रही है कि हमारी जगह है, उसके बाद 6 से 7 दिनों तक पुलिस बंदोबस्त लेकर के उस जगह को खाली कराया जाएगा और तोड़ा जाएगा। साथ में जनता से ये कहना चाहता हूँ, 7 बार जो दादा लेकर घूम रहे और दिखा रहे हैं वो सारा का सारा फर्जी है, सरकार की जगह है। अगर उनकी जगह होती तो आपको 1-2 लाख रुपये में ये 10x20 का या पत्रे का घर बना के नहीं देते, आपको लीगली पक्का बांध काम करके देते। दादा का काम सिर्फ जनता को लूटने और बेवकूफ़ बनाने का है। मेरे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मैंने कई अधिकारियों से मांग की है उनके ऊपर MRTP और उनके जो दलाल हैं उनके ऊपर, जो एरिया आता है मैंने जिस पर अर्जी दिया है कबीर नगर व भवानी नगर के पास जो खाली जगह थी वहाँ पर नाला बन रहा, नाले के बगल में ये लोगों ने सरकार की जगह पर भूमाफियाओं ने अवैध बांध काम किया है, जिसपे चालू भी है, उस पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया भी चालू है। आज हमें उपोषण में न बैठने के लिए जो गित्ते सर है उन्होंने कहा है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उस पर लेटर वर्क हमारा निकाले हुए हैं, साथ में उन भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई करने की मांग हुई है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो झोपड़े अभी नए तत्काल बने हैं दिवाली के त्यौहार के मौके पर वो झोपड़ों पर ही कार्रवाई हो, बाकी के झोपड़े पर कार्रवाई ना हो, ऐसे भी मैंने उनसे मांग की है। उन्होंने हमारी बात को सुना है और तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिया है। साथ में जो MIDC के आरओ विभाग उसकी जाँच भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी भूमाफियाओं के ऊपर और जनता या जगह लेकर फंसे नहीं, क्योंकि आपका पैसा देने के बाद फंसने के बाद लास्ट में हम गरीब जनता फंसते हैं, ये भूमाफिया पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया चालू है और अगर इस पर जल्द कार्रवाई 6 दिनों के लिए बोले अगर हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने मुख्यालय के ऊपर जो अंधेरी में होता है वहाँ पर हम लोग उपोषण बैठने के लिए भी प्रक्रिया हमारी चालू है और तमाम अधिकारियों के पास लेटर चालू है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।